और छोटू को ढेर सारा प्यार। मैं उत्तराखंडी पहाड़ी ब्लॉग से किरण, आप लोग का मेरे चैनल में स्वागत है। एंड मैं आई हूँ आज हल्द्वानी क्योंकि मेरे पेपर चले हैं, तो मैं इसलिए आजकल ब्लॉग नहीं बना रही थी। एक पेपर हो गया आज, चार और बचे हैं, तो मैंने सोचा था अभी कहीं जाती हूँ घूमने, तो कैसे जाऊँ। ये देखिए इतनी तेज बारिश हो रही है बाहर, तो नहीं जा सकती हूँ, तो अब घर में ही रहना पड़ेगा। तो देखिए मिलाती हूँ भाभी से, भाभी क्या कर रही हैं किचन में, क्या कर रहे हो? ये भाभी की बन रहे हैं पकौड़े, इतनी जल्दी, बाप रे मशीन जैसे चलाई यार भाभी आपने तो। ये तेल भी रख दिया इनने और ये भी काट दिया, और बेसन की तैयारी हो रही शायद। और भाभी कुछ कहोगे नहीं? देखो हाँ। अच्छी हो रही है यार, अच्छी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं। भाभी के हाथ ऐसे चलते हैं काम करने में जो कि मशीन लगी हो, मैं भी नहीं करती इतने फटाफट काम। तो भाभी बना रही है पकौड़ी, तो गाइस जिसको खाने हैं वो आ जाओ हल्द्वानी भाभी के यहाँ, खिला दोगे ना भाभी आप सबको? बारिश हो रही है, छाता लेके आना, अंदर पकौड़े के मजे लो। ये यही है, और आप लोग भी आइए यहाँ। और अभी जीत और यश तो सोए हैं, उनसे भी मिलाऊंगी आपको। डाल दी है इसमें पकौड़ी, कितनी टेस्टी होती है यम्मी। हाँ यार भाभी तुमने तो आज मन ही खुश कर दिया यार, बाहर बारिश और अंदर पकौड़े, वाह। कहीं जी जिसको खाने हैं जल्दी आ जाओ, देखो भाभी ने कितनी जल्दी जल्दी बना दिए हैं। अभी तक हम गप्पी मार रहे थे और अभी अभी भाभी ने पकौड़ी भी बना दी। मशीन है क्या तुम्हारे हाथ में? लग रहा मेरे को भी मशीन है करके। पकौड़े बनने में कितनी देर लगती है, कटी बस। हाँ यही तो, देखिए गाइस ये पकौड़ी, और ये पकौड़ी काहे काहे की है ये बता रही हूँ मैं आपको, बैगन की मीन। तो किसी ने बैगन की पकौड़ी खाई तो मुझे कमेंट पे जरूर बताइए, मैंने तो नहीं खाई है, मैं पहली बार आज खाने वाली हूँ ये बैगन की पकौड़ी। भाभी आपने तो स्पेशली बैगन की पकौड़ी और आलू और प्याज और मिर्ची की पकौड़ी, ये देखिए बस प्लेट में आने वाली है आप पकौड़ी आ चुकी हैं और आ गई है। ये देखिएगा इस प्लेट पे, या यम्मी। और यहाँ उबल ली है चाय, दूध डाल दूँ मैं इसमें, इसमें ये के जी जिसको गर्मा गर्म चाय और पकौड़ी खानी है जल्दी आ जाओ। पकौड़े किसके लिए ले जा रही हूँ देखना, अभी देखो अभी किसके लिए ले जा रही हूँ। ये ताई क्या हो रहा है, ये ताई पढ़ रही है किताब, मेरे बदले का कल यही जा रही पेपर देने ले। चाय गिर रही है, ये ताई पढ़ रही है किताब। और यशी हेलो, हेलो yeah। मेरा भतीजा, मेरे भाई का बेटा, क्या है आपका नाम? यश। यश कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? फर्स्ट। ये पकौड़ी, दो ही पकौड़ी खा रहे आप? और देखो हाँ ये भाभी की चाय देखो, मैंने पहले भी दिखाई थी, ये लो भाभी आपकी चाय। ये बाप रे इतनी चाय पी लोगे आप? हाँ। आराम से ना, तो आओ अब हम खा रहे हैं पकौड़ी, और मेरी चाय तो इतनी सी है, पकौड़ी के साथ पीनी पड़ती है। आप भी खाओ। नहीं। ये सब आप क्यों नहीं खाते हो पकौड़ी? नहीं, 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 नहीं। क्यों नहीं खाते हो? नहीं। आपको फोन चाहिए ना अभी? नहीं, मुझे नहीं। मैं पकौड़ी नहीं खिला रही हूँ, मतलब आपको मेरा फोन चाहिए ना? हाँ। क्या करोगे फोन में? अच्छी हो रही है पकौड़ी, आ जा। हम पढ़ रहे हैं किताब, कौन कौन? ये मेरी बुक खुली है, और ये जित्तू की, जित्तू सोया है और यशी यहाँ बैठा है, तो यशी सुनाएगा आपको एक पोइम। सुनाए इसे। तीन रंग का अपना झंडा, इसे तिरंगा कहते हैं, हमारे अच्छे बच्चे मिलकर ये झंडा लहराते हैं, मन में है हम खुशी बनाते, इसका गाना गाते हैं, ये झंडे पर है बलियार, इसको सी झुकाते हैं, केसरी रंग है प्यार का मूल, सफेद रंग सच्चाई लाया, हरा रंग खुशियाली लाया, एक जैसे हरियाली का, ये झंडे को नमन करें हम इस पे। देशभक्ति पे बहुत अच्छा गाना सुना है, प्लीज गाइस
आप प्यारे प्यारे कमेंट करके इसका वो करिए, मतलब थोड़ा इसका सपोर्ट कीजिए। और ये आप एक इंग्लिश में पोइम सुना रहे हैं, सुनाओ इसी। My house is red, a little, a happy child and mine. My love and faith I hold long. I hardly ever cry. I have a tree of green to shade me from the sun. And another time of a ship and all my plays done. भाभी ने कर ली यहाँ पूजा। ये है ताई लोग का मंदिर, छोटी भाभी का मतलब मंदिर का रूम। थोड़ी देर थोड़ी जय माता दी। यहीं पर एंड, क्योंकि मुझे सोना भी है, सुबह पेपर भी है। तो मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और व्यस्त रहे। और मेरे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय।